बीती रात भारी बारिश के चलते गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग पर भीमबली में दो पुलिया बहने के बाद वहां फंसे लगभग 200 के करीब लोगों को धीरे धीरे निकाला जा रहा है। मौके पर डीएम एसपी मौजूद, एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें लगातार रेस्क्यू करवा रही है। अभी तक हेली से लगभग 70 से ज्यादा लोगों को निकाला जा रहा है। फिलहाल सभी को आपातकालीन हेलीपैड बड़ी निश्चौली में इकट्ठा किया जा रहा है, वहीं से वैली से रेस्क्यू हो रहा है। इस बीच वैकल्पिक पैदल मार्ग तैयार किया जा रहा है ताकि सभी को जल्द से जल्द निकाला जा सके। उप जिलाधिकारी ऊखीमठ अनिल शुक्ला ने बताया कि रेस्क्यू जारी है और जितना अधिक हो सके लोगों को निकाला जा रहा है। वहीं केदारनाथ जो यात्री उनके लिए भी वहां ठहरने की पूरी व्यवस्था की गई है। पहाड़ों में आफत की बारिश जारी है। बुधवार देर रात से बारिश में जमकर तबाही मचाई है और खासकर की केदारनाथ क्षेत्र में मंदाकिनी नदी उफान में आने के कारण भारी नुकसान हुआ है और केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग भीमबाली में बादल फटने के कारण मंदाकिनी नदी में भारी तूफान आया है और कई दुकानें ढेर हो गईं। इसके अलावा रामबाड़ा में केदारनाथ पैदल मार्ग में जो दो पुल थे वो भी नदी के साथ बह गए, जबकि गौरीकुंड स्थित घोड़ा पड़ाव और शटल पार्किंग में भी नुकसान पहुँचा है। सोनप्रयाग में केदारनाथ को जोड़ने वाली केदारनाथ हाईवे का लगभग 100 मीटर हिस्सा पूरी तरह से वॉश आउट हो गया और केदारनाथ का दृश्य अभी भी बहुत ही भयभीत करने वाला है। मंदाकिनी नदी अभी भी बहुत ही विकराल रूप धारण किए रखा है। इसके बाद मंदाकिनी नदी ने कल रात केदार घाटी में जमकर कोहराम मचाया। सोनप्रयाग हाईवे का एक बड़ा हिस्सा पूरी तरह से नदी में समा गया। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने आज के लिए केदारनाथ की यात्रा को स्थगित कर दिया। जो भी यात्रा जहां भी रुके हैं उन्हें वहीं रुकने के आदेश दे दिए गए हैं। इसके अलावा जो यात्री पैदल मार्ग यात्रा पर फंसे हुए हैं उन्हें सुरक्षित गढ़वाल मंडल विकास निगम के गेस्ट हाउस में ठहराया गया है। यहाँ प्रशासन की ओर से यात्रियों के लिए खाने पीने की व्यवस्था की जा रही है। बताया जा रहा है कि करीब 200 यात्री केदारनाथ पैदल मार्ग पर फंसे हुए हैं। पैदल मार्ग पर फंसे हुए प्रशासन की तरफ से पैदल आवाजाही पर सख्त रुख लगा दिया है। कल रात की भीषण बारिश से करीब वर्षा से जो है जगह जगह पर रास्ते टूट गए हैं, पैदल ट्रैक पर जो है बोल्डर आ गए हैं, खासकर जो है रामबाड़ा और लिंचोली और भीमबली के बीच में। और इसके अलावा जो है बता रहे हैं कि रामबाड़ा में दो पुराने पैदल ट्रैक के दो पुल बह गए हैं और इसके अतिरिक्त सोनप्रयाग में बाजार से 1 किलोमीटर ऊपर वॉशआउट रोड हो गया है, बड़े बड़े पत्थर और बोल्डर आ गए हैं। इस प्रकार से जो है पूरा रास्ता जो है ट्रैक पैदल ट्रैक और मोटर मार्ग भी काफ़ी क्षतिग्रस्त हुआ है, टूट गया है। यात्रियों को जो जहाँ पर थे रात देर रात को रोक दिया गया और उन्हें सलाह दी गई कि आगे की यात्रा स्थगित कर दें, जब तक ट्रैक सही नहीं हो जाता है यात्रा ना करें। और कोई कहीं फंसा हुआ नहीं है क्योंकि यात्रियों को जगह जगह रोका गया है, कोई फंसा हुआ नहीं है। फिर भी जो है जिलाधिकारी महोदय और कप्तान साहब जो है ऊपर केदारनाथ चले गए हैं और वहाँ से जो है स्थितियों पर नियंत्रण रख रहे हैं। और यहाँ पर जो है हेली से रेस्क्यू भी स्टार्ट कर दिया गया है। अभी तक 98 यात्री जो है वो आ चुके हैं और यात्रियों को लाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। जितना भी पॉसिबल होगा सारे यात्रियों को हम नीचे ला देंगे, लेकिन ऊपर भी खाने की रहने की सारी चीज़ों की व्यवस्था है, किसी को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जो है हमारा रेस्क्यू भी अच्छे से चल रहा है और यात्रियों को सही जगह पर रोका गया है। और सभी श्रद्धालुओं से और कांवड़िए से और तीर्थयात्रियों से ये हमारी अपील है, प्रशासन जिला प्रशासन अपील करता है, अनुरोध भी करता है कि अपनी यात्रा अभी स्थगित कर दें, जब तक ट्रैक ठीक नहीं हो जाता, मोटर मार्ग ठीक नहीं हो जाता तब तक यात्रा ना करें। इसी खबर के ताज़ा अपडेट में आपको बताते हैं कि मुख्यमंत्री पहुंचे हैं केदार घाटी। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी केदार घाटी में बुधवार रात्रि को हुई अत्यधिक बारिश के बाद अतिवृष्टि के कारण हुई आपदा के प्रभावित क्षेत्रों का सर्वेक्षण करने पहुंचे। मुख्यमंत्री हेली के माध्यम से शेरणी हेलीपैड पहुंचे, जहां से जिलाधिकारी उनके साथ हेलीकॉप्टर में बैठे और आपदा में रेस्क्यू की जानकारी देते के लिए लिचौली आपातकालीन हेलीपैड पर पहुंचे। यहां मुख्यमंत्री ने रेस्क्यू के लिए इंतजार कर रहे श्रद्धालुओं से मुलाकात कर उनकी कुशलक्षेम पूछी।
श्रद्धालुओं से बातचीत करते हुए उन्होंने जिला अधिकारी को जल्द से जल्द सभी श्रद्धालुओं को सुरक्षित रेस्क्यू करने को कहा। फूड पैकेट्स एवं पानी वितरण करने सहित फर्स्ट एड एवं चिकित्सा सुविधाओं का पूरा ध्यान रखने का निर्देश दिए गए। उनके द्वारा अत्यधिक बारिश से क्षतिग्रस्त केदार घाटी के स्थानों का हवाई सर्वेक्षण भी किया गया। हवाई सर्वेक्षण करने के बाद मुख्यमंत्री ने बताया कि क्षतिग्रस्त पैदल मार्गों का सुधारीकरण का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अतिवृष्टि के कारण जो भी लोग संवेदनशील स्थानों में फंसे हुए हैं उन्हें निकालने का कार्य लगातार गतिमान है। बताया कि अभी तक काफ़ी संख्या में लोगों को सुरक्षित स्थानों में पहुंचा दिया गया है तथा सभी लोगों को पूर्ण रूप से सुरक्षित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि चार धाम यात्रा सुचारू ढंग से संचालित हो रही है तथा मौसम विभाग द्वारा जारी मौसम के अनुसार ही यात्रा संचालित करवाई जा रही है। उन्होंने कहा कि अतिवृष्टि से बहे पुल व क्षतिग्रस्त मार्गों को बनाने की कार्यवाही भी गतिमान है। मौसम के समान होते ही यात्रा निर्बोध रूप से संचार कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री के साथ केदार घाटी के प्रभावित क्षेत्र में महाराज ने केदार घाटी में तैनात रेस्क्यू टीमों की सराहना करते हुए कहा कि आपदा के बाद आज प्रातः 7 बजे से रेस्क्यू टीम लगातार रेस्क्यू अभियान में जुटी हुई है। साथ ही उनके द्वारा यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री जिलाधिकारी और संबंधित अधिकारी हेली के माध्यम से हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि घटना में प्रभावित को मुख्यमंत्री द्वारा हर संभव मदद दी जाएगी। उन्होंने बताया कि पानी का वेग बढ़ने के साथ ही हर संभावित घटना के राहत हेतु सरकार और जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने स्थानीय प्रशासन द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि दोपहर 1 बजे तक लगभग 300 यात्रियों को निकाला जा चुका है। इसके लिए उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों, रेस्क्यू की टीमों और हेली पायलटों को प्रशंसा की। जिलाधिकारी सौरभ गहवार ने कहा कि प्रशासन सभी श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुगम यात्रा के लिए प्रतिबद्ध है। भूस्खलन के चलते विभिन्न स्थानों पर बाधित मार्गों को खेलने के लिए संबंधित विभागों को निर्देशित किया गया है। क्षतिग्रस्त रास्तों और पुलों को तत्परता से दुरुस्त कर दिया जाएगा। सबकी रास्ते जो बारिश से भारी बारिश से चार स्थान पर बनाई गई है और आसपास के आसपास जो मार्ग है वो क्षतिग्रस्त हो गया है। भूस्खलन काफ़ी हुआ है लेकिन मार्ग बनाने की कार्रवाई नहीं की जा रही है, काम चल रहा है और जो लोग वहाँ पर दर्शन के लिए गए हैं उनको वहाँ से निकाला जा रहा है। अभी काफ़ी लोग निकाले जा सकते हैं और आगे निकालने की प्रक्रिया निकाला जाए। जो लोग हैं सब सुरक्षित हैं, जल्दी से जल्दी हमारी यात्रा सुचारू रूप से इसके लिए सारे प्रयास हम लोग सब कई लोग कोई ऐसी बात नहीं है, हमारी यात्रा अच्छी से चल रही है और कहीं कहीं ऐसी बात पहले से मौसम विभाग की जो चेतावनी है उसके अनुरूप हम लोग यात्रा को लेकर पहले से सजग हैं। यहाँ पर करीब 250 लोगों का रेस्क्यू हुआ है। मैं सभी पायलट्स को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि 7 बजे सवेरे से लेकर के वो यहाँ सोर्टीज कर रहे हैं और यात्री जो फंसे हुए हैं उनको निकाल रहे हैं। अभी अभी मुख्यमंत्री जी के साथ हम आए हैं क्योंकि ज़्यादा पैसेंजर जा नहीं सकते थे, इसलिए मुख्यमंत्री जी TM और जो संबंधित अधिकारी हैं वो लोग गए हैं, मौका मुआयना कर रहे हैं। पूरी पूरी राहत दी जाएगी और सबकी सहायता की जाएगी, ऐसा विश्वास जो है मुख्यमंत्री जी ने दिलाया है। मैं भी यहाँ आया हुआ हूँ और जहाँ जहाँ हम देख रहे हैं कि पानी का वेग बढ़ा हुआ है और कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है, जहाँ बादलों के अंदर बादल फट रहे हैं, तो इस भीषण आपदा से निपटने के लिए हम पूरी तरह से सक्षम हैं और इसकी कार्रवाई हो रही है। सर केदारनाथ की बात कर रहा हूँ जहाँ पे कल क्राउड बर्स्ट हुआ है, अभी मेरे को पूरी सूचना नहीं है क्योंकि मुख्यमंत्री जी गए हुए हैं, आने के बाद सूचना मिल जाएगी। सर पर इस समय जो काम किया गया है ये बड़ा प्रशंसनीय काम किया गया है। 7 बजे सवेरे से लेकर के यहाँ पर 250 यात्रियों को निकाला गया है, तो अपना बड़ा अच्छा काम किया गया। मैं सभी पायलट्स को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और सभी संबंधित कर्मचारी जो इससे जुड़े हुए हैं, रेस्क्यू टीम से जुड़े हुए हैं, सभी बधाई के पात्र हैं।